हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। FII के 3000 के बाद कल कैसा रह सकता है बाजार, क्या होगी मार्केट की जो है स्ट्रेटजी, कैसे करना होगा ट्रेड, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप की जो एजुकेशनल वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कल के लिए कॉल है दोस्तों, वो है हमारा टाटा कम्युनिकेशन का। टाटा कम्युनिकेशन में आज मैंने लाइव में आप लोगों को कॉल दिया था। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की जो आईडी है @equityadvance है, वहाँ पे मैंने फर्स्ट जो कॉल है 10:21 पे दी थी, बाई टाटा कम्युनिकेशन विथ योर एशियर। जिसने भी बाई किया था वो यहाँ पे स्मॉल टारगेट बुक किया होगा, अच्छी खासी वैसे तो मूव मिली। बाकी जो लाइव की कॉल थी कोई एक्टिवेट नहीं हुई। हाँ, जो न्यूज़ के बेस पे पीडी लाइट के शेयर में जो है स्टॉक प्लेज हुआ है, उसके बाद वोडाफोन आइडिया से जो रिलेटेड जो न्यूज़ थी, ये सारा हम लोगों ने पोस्ट किया ताकि आप लोगों का हेल्प हो। अब आइए यहाँ पे जो है जानने की कोशिश करते हैं कि टाटा कम्युनिकेशन में ऐसा क्या है। तो टाटा कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी खासी जो है गिरावट आप देख सकते हैं कि पिछले कई महीनों से बहुत अच्छी खासी जो है गिरावट दिया है। उसके बाद गिरावट देने के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद आज फर्स्ट टाइम विथ ग्रेट वॉल्यूम टाटा कम्युनिकेशन निकलने की कोशिश किया, जो कि एक बहुत अच्छी मूव थी। टॉप जो है गेनर था फेंडो में। तो कल के लिए अगेन 1240 के ऊपर बाई विथ SL 1230, और अगर इनकेस कल नहीं चलता है तो आने वाले वीक में इसको ध्यान पे लेके चलना है और अच्छी खासी हमें मूव मिल सकती है। सेटअप बहुत अच्छा है दोस्तों, सो मिस नहीं करना है। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है टाटा कंज्यूमर। अब FMCG प्रोडक्ट के जो रेट है वो बढ़ने स्टार्ट हो सकते हैं। फर्स्ट जो है HUL ने बढ़ा दिया है 3% के करीब जो है रेट बढ़ा रहा है, क्योंकि जो इनकी जो कॉस्ट होती है, जो भी इनके रॉ मटेरियल जो आते हैं, जो चीज़ें लोग बनाने में यूज करते हैं, सर्फ डिटर्जेंट, उसमें सारी में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इन लोगों का जो कॉस्ट है वो बढ़ना तय है, तो इसके मद्देनज़र ये लोग भी कॉस्ट को बढ़ाएंगे। अब आज HUL में भी बहुत अच्छी मूव देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर भी एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ पे शो कर रहा है। तो टाटा कंज्यूमर कल के लिए 783 के ऊपर विथ SL 773, 783 के ऊपर हम लोग बाई करके चल सकते हैं विथ SL 773। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉल पे। नेक्स्ट कॉल पे चलने से पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप खुद से ये एनालिसिस करना चाहते हैं, जो हम पिन पॉइंट के एनालिसिस करते हैं मार्केट में, जो हम लोग व्यू देते हैं, तो आप अपनी जो सीट है वो बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बैच है वो 15 अप्रैल से जो है फाइनल किया गया है, और जो करेंट बैच है उनका फीडबैक बहुत जल्द आपके सामने आएगा। जो भी उस बैच का स्टूडेंट है, हर कोई जो है खुश है इस बैच से, क्योंकि उनको दिख रहा है यहाँ पे कि कौन सी क्वालिटी मिल रही है। जब से उन्होंने चार्ट बनाना स्टार्ट किया, मज़ा आ गया उन लोगों को, क्योंकि चार्ट पे उनके लेवल वो मिल रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि कैसे एनालिसिस होती है, वो भी एक परफेक्ट वाली। तो आप भी जरूर जुड़िए इस बैच से और जरूर जो है सीखने की कोशिश कीजिए। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके स्क्रीन पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉल है दोस्तों वो है डालमिया भारत। डालमिया भारत को भी अप्रैल सीरीज में ध्यान पर रख के चलना है। बहुत अच्छी गिरावट हुई है और बहुत अच्छे फॉर्मेशन के साथ जो है निकलने की कोशिश है यहाँ पे। कल के लिए 1505 के ऊपर बाई होगा विथ SL 1490। अगर इनकेस कल नहीं चला तो नेक्स्ट वीक में तो ये बिल्कुल एक न एक दिन जो है आपको अच्छी 5% के मूव जो है देगा। तो आपको डेली जो है इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखना है। सबसे पहले आप चलते हैं इंडेक्स में बैंक निफ्टी पे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ पे लेवल्स। तो सबसे पहला जो कल के लिए बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 36710 और सपोर्ट 35900। एक बेहतरीन सपोर्ट है 36000 का। यहाँ से ये ध्यान से देख लीजिए कि ये मार्केट एक फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही 36500-600 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाएगी, 700 के ऊपर, बैंक निफ्टी फटने के लिए रेडी हो जाएगा, बहुत अच्छी मूव देगा, ठीक है। और मार्केट जो है बहुत साइडवे में चल रहा है, बहुत स्लोली मूवमेंट दे रहा है, बहुत जो है स्लोली मूवमेंट दे रहा है, और ये साइन है कि एक अच्छा खासा जो है कंसोलिडेशन हो रहा है इनसाइड से और सडनली जो है मूव आएगी, ठीक है। तो ये जो लेबल है इसको भूलना नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने आज इसको आपको अपडेट दिया है। ये लेबल जो है भूलना नहीं है आपको, 36500-600 का जो लेबल है, इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद, मेरे वर्ड को मार्क कर लीजिएगा, क्लोजिंग आने के बाद एक बहुत अच्छा खासा देखेंगे हम यहाँ पे। तो इन्वर्टेड HNS भी दिख रहा है यहाँ पे, अगर ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ से भी एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब लेट्स सी कि ये कंप्लीट होता है या डायरेक्ट निकल जाता है। तो कल के लिए अगेन जो है जो मार्केट का जो व्यू है वो बाई NDP है। अगर 36000 के आसपास मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। अगर 36000 को होल्ड किया तो हम वहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए बाई करेंगे। समय करना क्या है कि एक हमारा लेवल है 36700 और उसके पहले 36600। ये मार्केट जो है प्रॉपरली रिस्पेक्ट दे रहा है और उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया, तो अगर वो क्रॉस नहीं करेगा तो फिर हम हाई पे एक बार सेल करने के लिए वहाँ पे प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर इन केस मार्केट खुलने के बाद डायरेक्ट जो है आपके 36300 के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट करेगा तो अब वहाँ से हम एक सेल कर सकते हैं, ठीक है। उस समय टारगेट हमारे 36000 तक होंगे और 36000 पे अगेन हम एक बार बाई के लिए सोचेंगे वहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए। तो ये जो है कल के लिए प्लानिंग होगी कि फर्स्ट में 36300 तोड़ेगा,
तो फर्स्ट शेल लेके काम करेंगे 36,000 के टारगेट के लिए, जहां पे आपको जो है 36,000 के टारगेट होंगे। और जब ये 36,000 के आसपास आ जाएगा वहां पे जो है एक बार प्राइजेक्शन कर लेगा, तो वहां पे हम लोग अगेन जो है एक बार बाई के लिए सोचेंगे। ये जो है कल के लिए प्लान यहाँ पे दिख रहा है। और अगर इनकेस मार्केट गैप अप होकर खुला और सीधे जो है आपका 36,371 की क्लोजिंग आई है यहाँ पे 36,371, और मार्केट जो है सीधे 36,440-430 के ऊपर क्रॉस करने लगा, तो हम वहाँ पे बाई व्यू लेके चलेंगे। ये जो है कल के लिए बैंक निफ्टी का जो है व्यू होगा। अब आइए चलते हैं निफ्टी पे। सबसे पहले जो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 17,630 का, और जो सपोर्ट है 17,350 का। निफ्टी ने आज क्या किया कि निफ्टी ने आज जो है एक गैप अप ली, गैप अप शुरुआत होने के बाद धीरे धीरे करेक्शन किया, करेक्शन को कंप्लीट किया, नीचे से ऊपर से दोनों साइड से मोमेंट आई, प्रीमियम को जो है अच्छे खासी से जो है मैनेज किया गया, प्रीमियम को खाया गया, और अल्टीमेटली फिर मार्केट जाके जो है एक अच्छी खासी जो है क्लोजिंग दिया। क्योंकि अगर मार्केट आपका आज 17,450 के नीचे या 17,435 के नीचे क्लोज हो जाता तो मेरे लिए ये थोड़ी वीक क्लोजिंग होती, लेकिन उसने मार्केट ने क्लोजिंग ली है 17,468 के आसपास। अब अगर कल मार्केट फर्स्ट क्लियर कट व्यू है कि 17,445 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड लेना स्टार्ट करेगा, तो जो हम लॉन्ग कैरी किए हैं उसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम शॉर्ट पोजिशन लेंगे। पॉसिबल है कि मार्केट जो है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग चाहिए। अब जैसे ही 17,500 के ऊपर मार्केट इनकेस ओपन होता है या खुलना स्टार्ट करता है या आने के बाद जो है ट्रेड लेने लगता है, तो हम वहां पे बाई भी लेके चलेंगे और फ्रेश बाई करेंगे, और बाई हम यहां पे ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि 17,500 पे अच्छे खासे कॉल सेलर है। कल भी मैंने दिखाया था कि ये अगर लेवल टूट गया अच्छे से तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी होगा। 560 तक गया लेकिन कॉल सेलर आज एक्टिव थे तो उन्होंने ऊपर जो है कैप कर लिया। अब अगर अगेन 17,500 के ऊपर यहाँ पे निफ्टी निकलने लगेगी तो उनकी जो पोजीशन है वो कटेगी और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। जो कॉल सेलर और पुट सेलर का जो डेटा है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। अब आइए हम लोग डेटा पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बड़े ट्रेडर हैं उनकी पोजीशन किस साइड है। तो सबसे पहले हमारे एक्सेल शीट की हेल्प से जो है डिजिटल डेटा देख लेते हैं, उसके बाद एनएससी की साइड पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो शॉर्ट टर्म का जो व्यू आ रहा है दोस्तों वो बियरिश हो गया अभी, ठीक है। आज के डेटा के बेस पे जो आज का जो डेटा हुआ है उसके बेस पे जो शॉर्ट टर्म का जो व्यू है बियरिश है, और पोजिशनल तो अभी तक बियरिश चल ही रहा है। शॉर्ट टर्म में कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है। तो आज के डेटा में देखेंगे तो डेटा इस हिसाब से बना है कि जस्ट मैनेज किया गया है। यहाँ पे कॉल सेलिंग भी अच्छी खासी दिख रही है दोनों साइड से इसमें, ठीक है, और पुट सेलिंग भी दिख रही है, यानी कि दोनों साइड से सेलिंग ही है, कहीं भी बाइंग हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन पुट सेलिंग देखेंगे तो ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस पे है, ठीक है, और कॉल सेलिंग कम स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि ये एक मैसेज दे रहा है कि ये जो बियरिश जो डेटा दिख रहा है ना ये कभी भी बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है और मार्केट बॉटम पे अगेन बाई साइड ही जाएगा। अब अगर इसी तरीके से निफ्टी का डेटा देखें तो निफ्टी का भी जो शॉर्ट टर्म का डेटा है वो बियरिश है और पोजिशनल भी जो है बियरिश है। अब अगर हम आगे बढ़ के देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस वाइज क्या पोजिशन है, तो स्ट्राइक प्राइस वाइज देखते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, और पुट साइड में हमें पुट बाई भी दिख रहा है जो कि कल भी दिख रहा था। तो यही एक सिग्नल है जिसकी वजह से निफ्टी की थोड़ी सी जो है बियरिशनेस जो दिख रही है वो हल्की सी स्ट्रांग है, और इसीलिए मैंने बोला कि अगर 445 तोड़ के निफ्टी ट्रेड करेगा तो हम लोग निफ्टी में पुट ले सकते हैं, निफ्टी में जो है सेल करके चल सकते हैं। अब आइए निफ्टी के जो है साइड पे चलते हैं और निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है उसको देखते हैं, ताकि हमें एक और अच्छे से जो है क्लियरिटी हो जाए और हमें मार्केट की जो डायरेक्शन है वो पता करने में काफ़ी ईजी हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करते हैं कल के एक्सपायरी को, क्योंकि आज की एक्सपायरी अब देखने से कोई मतलब नहीं है। तो निफ्टी में हम कंप्लीट जो है देखते हैं तो यहाँ पे जो है 7,00,000 का जो है कॉल सेलर है और 5,92,000 यानी कि ऑलमोस्ट 6,00,000 का जो है पुट सेलर है। 7,30,000 का कॉल सेलर और 6,00,000 का पुट सेलर, तो 1,30,000 कॉल सेलर आपके अभी भी ज़्यादा हैं। अब देखते हैं ITM की कॉल पे, तो ITM की कॉल पे देखिए सम फ्रेज जो है यहाँ पे कॉल बिल्डअप जो है हुआ है, कॉल सेल हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक प्राइस है 17,500 वहाँ पे जो है अच्छी खासी यहाँ पे कॉल सेलिंग देखने को मिली है। उसी तरीके से पुट साइड देखेंगे तो ITM पे पुट भी अच्छे खासे सेल हुए हैं। कंपेयर टू अगर हम रीड करें तो पुट सेलर ITM पे जो हमें ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि पॉसिबल है कि ये बड़े ट्रेडर की पोजीशन हो, जो कि आज हम डेटा जो पोस्ट करेंगे ट्विटर पे पार्टिसिपेंट वाइज जो डेटा हम पोस्ट करते हैं उसको जरूर देखिएगा, वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। और यहाँ पे ITM पे भी जो है यहाँ पे सम पुट सेलिंग दिख रही है। अब सबसे नियरेस्ट में 17,500 पे देखें तो यहाँ पे 61,000 पुट सेलर हैं और यहाँ पे 80,000 पुट सेलर हैं, यानी कि 20,000 ज़्यादा हैं। 30,000 आज फ्रेश सेल हुआ है
और 17,000 यहाँ पे हुआ है, यानी कि डबल यहाँ पे आज फ्रेश हुआ है। तो सिंपल एंड क्लियर कट व्यू है कि मार्केट अगर 17,450 को तोड़ने लगेगा तो यहाँ पे हमें पुट साइड आना है, हमें थोड़ा सा सेल भी लेके चलना है। पॉसिबल होगा कि एक छोटा सा करेक्शन आएगा। अगर 17,500 होल्ड है या 17,500 के ऊपर निकलने लगा और 450 होल्ड है, तो फिर ये जो कॉल सेलर है इनकी जो पोजीशन है थोड़ी सी गड़बड़ होगी और उसी की बदौलत हम ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे। मार्केट का जो व्यू है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 50-50% पे था आज। आधे लोग सेल कर रहे थे, आधे लोग बाई कर रहे थे और कुछ लोग दोनों कर रहे थे। तो वहाँ पे पोजीशन जो इस हिसाब से बनी थी कि मार्केट दोनों साइड में किसी भी साइड एक अच्छे खासे रेंज के लिए रेडी नहीं हुआ, जस्ट एक नैरो रेंज में जो है सिमट गया। अब हम बैंक निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं, और वो भी डेटा हम चेक करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का, क्योंकि करेंट को चेक करने से कोई मतलब नहीं है। तो अब बैंक निफ्टी का जो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो 3,51,000 टोटल कॉल सेलर है और 2,91,000 टोटल पुट सेलर है, यानी कि बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में जो भी डेटा यहाँ पे नहीं है, लेकिन कॉल सेलर थोड़े से अभी ज़्यादा ही हैं। नियरेस्ट की जो कॉल है यहाँ पे 36,500, इसके ऊपर हमें जो है 20,000 जो है यहाँ पे फ्रेश जो है शॉर्ट जो है देखने को मिल रहा है, और 36,500 पे फ्रेश जो है 11,000, टोटल यहाँ पे 17,000 है और यहाँ पे टोटल 34,000, यानी कि सीधे डबल हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बेरिशनेस साइन है। अब अगर यही डेटा सेम डेवलप होते हुए आगे जो है बिल्डअप होता जाएगा सेम वे में, तो मार्केट का जो टोन है वो बेरिश होगा और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और सम करेक्शन जो है देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर 36,000 का जो लेवल है 300 वाला वो टूटेगा तो हम वहाँ पे सीधे 36,000 तक जो है दूरी तय कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद 36,000 के बाद 36,000 के ऊपर ही सबसे ज़्यादा जो है पुट सेलेंगे। 24,000 की क्वांटिटी है, अदरवाइज बीच में छोटे मोटे पड़ा हुए हैं जो कि ये वीक वाले हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर 36,500 टूटा है, चूँकि यहाँ पे 34,000 कॉल सेलर हैं, तो हम सीधे जो है 37,000 तक ट्रैवल कर सकते हैं स्लो एंड स्टडी वे में। तो जिस हिसाब से डेटा प्लेस्ड हुआ ऐसा दिख रहा है कि जो एक रेंज है जो कि 36,500 की है और एक जो रेंज है वो है 36,300 की, ये जो दोनों रेंज है जिस हिसाब से टूटेंगे उस हिसाब से मार्केट जो है मोमेंट लेगा। अगर हम लोग वर्ल्ड मार्केट का देखें तो राइट नाउ जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस समय वर्ल्ड मार्केट में भी बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है और वर्ल्ड मार्केट को देखना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से वर्ल्ड मार्केट ट्रेड करेंगे उसी हिसाब से हमारा भी पोजीशन बनेगा। क्रूड की तरफ से जो है मार्केट को सपोर्ट है, डाउ वगैरह की तरफ से देखें तो डाउ जो है फ्लैट टू पॉजिटिव जो है ट्रेड ले रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अपने साइड जैसे ट्रेड हुआ है बिल्कुल चौपी ट्रेड उसी तरीके से होगा, क्योंकि राइट नाउ जो है डाउ जो है 9 पॉइंट माइनस में था, अभी 51 पॉइंट माइनस में है, तो सेम जो है बट डाउ की जो क्लोजिंग है वो हमें एक अच्छा खासा सिग्नल देगी। रेस्ट अगर निकेई हैंगसेंग वगैरह में देखेंगे तो एशिया में तो वीक जो है ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, रसिया में तो खैर का 5% का जो है मूवमेंट है, क्योंकि अब वहाँ से पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही है और ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे सीज फायर हो सकता है। तो वो न्यूज़ के आने के बाद देखना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्या मार्केट फिर अपने पुराने टोन में आ जाता है, इस चीज़ को ऑलरेडी वो कर चुका है, और या आगे जो है हमें इस चीज़ को देखना होगा कि जो डेवलपमेंट हो रही है रसिया की तरफ से उस पर मार्केट जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन देता है कि नहीं देता है। अगर पॉजिटिव रिएक्शन देगा तो नए नए लेवल निकलेंगे और निफ्टी जो मैंने कल बात की थी मंथली ब्रेकआउट वो भी पॉसिबल होगा। इन सारी चीज़ों की जो है जानकारी और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं इस वीकेंड पे एक बहुत बेहतरीन जो है पेनी स्टॉक देने वाला हूँ, जिसकी जो प्राइस है वो है मात्र 1.55 रुपये और उसका हाई जो है 1,500-2,000 के आसपास लग चुका है। क्या टारगेट होंगे सब कुछ मैं बताऊंगा, वीकेंड का वेट कीजिए, आपको वीडियो मिलेगी। और जिन लोगों ने भी ये वाली पेनी स्टॉक की वीडियो नहीं देखी जरूर देख लीजिए, और इसके अलावा मैंने एक और पेनी स्टॉक की वीडियो दी है उसको भी आप जरूर देख लीजिए, जो कि रिलायंस जियो के बिजनेस में जो है कारोबार करती है, बहुत अच्छा जो है शेयर है। वीडियो को थॉरली जाएंगे तभी आपको शेयर का नाम मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपने लाइक और कमेंट जो है जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।